जी, तो अभी हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट में होगा एग्स होंगे, और इसके अलावा ये मिल्क भी पड़ा है इधर हमारे पास, तो इसमें ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो गाइस, आज हमारा जो प्लान है वो है, हम जाएंगे इंशाल्लाह, देखते हैं कहाँ जाएंगे। अभी तो फिलहाल घर से निकलेंगे, फिलहाल ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। एग्स और टी और राइस, बिरयानी हम लेके आए थे बना के साथ में, और ये कुछ बनाना और ये पड़े हैं हमारा दूसरा स्टफ। तो एग्स हमारे डन है, आई थिंक सो, या एग्स आर डन, श्योर। सो जनाब, ब्रेकफास्ट डन है, ये ब्रेकफास्ट है हमारा थोड़ा सा, और फ्रेंटेसी सा, और एक आध एप्पल भी। हाँ जी, तो एटलीस्ट हमारा जो है ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट शेकफास्ट करके अभी निकलने लगे हैं घर से, तो शूज़ वगैरह पहन के, तो ये देखें सेटअप शेटअप, वो क्लीनिंग वाले खुद ही आ जाएंगे, खुद ही कर लेंगे। तो अभी निकलने लगे हैं, तो जॉगर्स भी पड़े हैं, ये हमारे जॉगर्स कौन से पहने, दोनों कंधे पर पड़े हैं यार। किधर आप जा रहे हैं? कोर आइलैंड पे। बारिश का मुकाम, बारिश भी हो रही है तो नहीं हो रही, लेकिन बारिश के इम्कान है, तो काइंडली दुआ कीजिएगा कि बारिश ना हो, और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा। तो ये 201 का था, 201 बस है, इस तरह की बसें आती हैं जो कि इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है, लाइक जैसे सोल में है हमारी जो फ्रीक्वेंसी, बसेज की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है इधर, तो कम बसें आती हैं। राइट नाउ आई एम वेटिंग फॉर 201, वी हैव टू गो टू सम पोर्ट फॉर विडो आइलैंड। तो जी गाइज, अभी बस का सफ़र जो था हमारा 1.5 से 2 घंटे का, वो ख़त्म हो चुका है। अगर आप उदू आइलैंड जाना चाहते हैं तो मैं आपको एक शॉर्ट सी आपको डायरेक्शन बता सकता हूँ। आपने एयरपोर्ट पे उतरना है, एयरपोर्ट से आपको बस टर्मिनल, जो जीजू बस टर्मिनल है, वहाँ से आपने 201 बस पे बैठना है। वहाँ से आपको पौने दो घंटे, तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा, वो आपको उतारेगी पीछे रोड पर, संगसम्पा कुछ तरह का कोई नेम है उसका। उधर आपने उतरना है, उतर के आपने क्या करना है, तकरीबन 8 मिनट की वहाँ से वॉक है, 8 से 10 मिनट की, इट्स डिपेंडिंग लाइक ऑन द टाइम एंड थिंग्स। तो आपने वहाँ से उतर के फिर आपने आगे जाना है, ठीक है। तो अभी आई थिंक देयर, तो वहाँ से हम आपने लेनी है फेरी की टिकट, जो कि हम लेंगे जाके। फेरी आपका तकरीबन 15 मिनट का सफ़र है, और वो ले जाएगी उदो। और जो मेरे पाकिस्तान के व्यूर्स हैं गाइस, ये वीडियो के पैसे आपके ही हैं सारे, आप ही के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। वो पीछे आई थिंक टर्मिनल है, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके हम अपनी टिकट करवाएंगे, ठीक है। और गाड़ी आ रही है, साइड पे आ जाओ, टिकट लेके फिर आपसे बात करते हैं जी। थैंक यू, सी यू। तो बात ये है कि जी, इधर आए, सारा दिन जलील हुए, मतलब कि सुबह उठ के घर से 2 घंटे का सफ़र किया, 3 घंटे का, इधर आके पता चलता है कि जी फेरी तो बंद है, क्योंकि जी COVID-19 की वजह से फेरी बंद है। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आपने आना हो तो पहले कॉल कर लें किसी भी प्लेस पे जाने से पहले कि इज़ इट ओपन और नॉट। सो
फॉर मी इट्स अ बिग लॉस, फॉर मी इट्स अ बिग लॉस ऑफ टाइम बिकॉज इट्स माई सेकेंड डे. आई डिडंट वांट वेस्ट माई टाइम हियर बट सो सी यू गाइज आफ्टर दैट वट वी विल डू फॉर नाउ अंटिल नाउ. अच्छा जी, बात ऐसे है कि हमारे मुकद्दस थोड़े से बुरे थे. उदो जो हमारा यूदो या उदो जो भी बीच है या वो आइलैंड है उस पर मेरे जाने की ख्वाब अधूरे रह गए COVID-19 की वजह से. ये जो पीछे फेरीज खड़े हैं ना सारी, ये ब्लॉक हैं, लाइक दे कैन नॉट गो देयर. सो कभी आपको एक चीज़ खाता है कि कोशिश किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है इनको, ठीक है. तो ये जो है ये यहाँ से हमें लेके वहाँ उदो लेके जाना था इन्होंने. सो फॉर नाउ दिस इज एंड ऑफ दिस प्लेस. नाउ वी आर गोइंग बैक एंड विल विजिट सम अदर प्लेस. ये पीछे जो माउंटेन है ना, ये बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं मुझे, वो पीछे जो हैं. सो फॉर नाउ इट्स एंड ऑफ द वीडियो हियर. पता नहीं है बस कब आनी है कब नहीं आनी. मैं मैप जो है हर बार बंदे को तंग करता है. ये है जी बस स्टेशन. इस तरह के बस स्टेशन भी जेजो में हैं, नाम जो चेक पॉइंट. अभी मुझे नहीं पता मैंने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना. मोबाइल भी बंद होने वाला है. खाली रोड है और मैं हूँ. आई एम सो डिप्रेस्ड नाउ. आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू बट आई एम वेटिंग फॉर द बस. अल्लाह करम करे कि बस आ जाती है. ओके, बताते हैं जी क्या होगा फिर आगे. अभी फ़िलहाल तो मैं बहुत जलील हो रहा हूँ. तो ट्रैवलिंग जो है वो इतनी आसान नहीं है. ये देखें बसेज आ रही हैं और आपका भाई अकेला रोड पे फिर रहा है. चलें मिलते हैं फिर आगे जाके जी. तो जी मूवी देखी है सुसाइड स्क्वाड. माय रेटिंग इज 5, even less than 5. I didn't even enjoy this movie. Anyway guys, it's only 9:30 PM here and everything is closed. You guys can see everything is closed. Like jo wo baat thi na muslims wali hamari islam wali ki time se soyein aur subah jaldi uthein. Koreans are following these things and right now you guys can see they are the most successful country in Asia. So I hope you guys got my point, right? So, see you guys there in the next video. Allah Hafiz, Allah Hafiz, Allah Hafiz.